यूं चुपचाप नहीं बैठो, कुछ तो बोलो ना। कब तक बंद रखोगे हृदय के द्वार, खोलो ना। बड़ी वेदना दिखे नयन में, पीड़ित लगते हो। बड़ी वेदना दिखे नयन में, पीड़ित लगते हो। सुकून चाहिए तो एक बार खुलकर रो लो ना। नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा शुक्ला है। मैं अपने काव्य पाठ की शुरुआत चार पंक्तियों से करती हूँ, जो कि भगवान भोलेनाथ को समर्पित हैं। कि नाथों के नाथ भोलेनाथ मेरे साथ हैं, तो मुझको ना कोई और वर चाहिए। नाथों के नाथ भोलेनाथ मेरे साथ हैं, तो मुझको ना कोई और वर चाहिए। देवों के देव महादेव घर दे रहे, तो उनके ही चरणों में दर चाहिए। देवों के देव महादेव घर दे रहे, तो उनके ही चरणों में दर चाहिए। पथ पे है अटके जो भी भूले भटके, उबारने को उन्हें अवसर चाहिए। पथ पे है अटके जो भी भूले भटके, उबारने को उन्हें अवसर चाहिए। निर्भीकता से बोल सकें दीन जन के लिए, कंठ में मेरे वही स्वर चाहिए। आप सबने देखा होगा अक्सर, जैसे सिंगर्स होते हैं तो उनके बच्चे बड़े होकर के सिंगर बन जाते हैं, डांसर्स के बच्चे बड़े होकर के डांसर्स बन जाते हैं, एक्टर्स के बच्चे तो अधिकतर एक्टर्स ही बनते हैं। लेकिन कविताकारों के साथ ऐसा ना के बराबर होता है। तो चार पंक्तियां मैं आप सभी को समर्पित करती हूँ कि विरासत में नहीं हमको मिली है काव्य की प्रतिभा। विरासत में नहीं हमको मिली है काव्य की प्रतिभा, हुनर के ही भरोसे है मेरी और आपकी प्रतिभा। विरासत में नहीं हमको मिली है काव्य की प्रतिभा, हुनर के ही भरोसे है मेरी और आपकी प्रतिभा। हो सच्चाई जो मेहनत में, तो किस्मत भी बदलती है। हो सच्चाई जो मेहनत में, तो किस्मत भी बदलती है। जो मेहनत ही नहीं करते, कहो किस बात की प्रतिभा। धन्यवाद। अच्छा, ऐसा सबके साथ होता है कि जब हम कभी रोते हैं तो हमारे आसपास सब लोग जमा हो जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, पर हम उस हालात में नहीं होते कि हम बता सके कि हम क्यों रो रहे हैं। तब लिखा है कि इस धारदार अश्व का जवाबदार कौन है, है हृदय के पार जो मलाल मत पूछिए। इस धारदार अश्व का जवाबदार कौन है हृदय के पार जो मलाल मत पूछिए। पूछना है हाल चाल पूछ लीजिए, मगर पीड़ितों से बार बार सवाल मत पूछिए। पीड़ितों से बार बार सवाल मत पूछिए। दीनता तो दीनता है, दुख का आकार क्या। दीनता तो दीनता है, दुख का आकार क्या। हो छोटा बड़ा लघु या विशाल मत पूछिए। अश्रु को किसी के जो मिटा सको, तो हाथ से मिटा दो, पर दिखावे में रुमाल मत पूछिए। धन्यवाद। सहमी सी चिड़िया को छत्र छाया के स्वरूप, घोसला जरूरी है डाल मत पूछिए। सहमी सी चिड़िया को छत्र छाया के स्वरूप, घोसला जरूरी है डाल मत पूछिए। दुख के निवारण हेतु कारण है जानना, तो पूछ लेना फिर कभी तत्काल मत पूछिए। दुख के निवारण हेतु कारण है जानना, तो पूछ लेना फिर कभी तत्काल मत पूछिए। वेदना का गीत गुनगुना रहा
वेदना का गीत गुनगुना रहा जो अगर कोई उस गीतकार से कभी सुरताल मत पूछिए। वेदना का गीत गुनगुना रहा जो अगर कोई उस गीतकार से कभी सुरताल मत पूछिए। शब्दों को संभाल कर औषधि में ढाल कर कह सको तो ठीक वरना हाल मत पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अक्सर होता है ना कि जब महिलाएं रोती हैं तो हर कोई पूछता है क्या हुआ, लेकिन जब कोई पुरुष रोता है या कोई लड़का रोता है तो सब मजाक बनाते हैं। तो तब उनके लिए लिखा था कि किसने कहा कि पुरुषों का रोना नहीं गंवारा है, किसने कहा कि पुरुषों का रोना नहीं गंवारा है, बल बुद्धि संग भावुकता भी अधिकार तुम्हारा है। दो बूंद बरस जाए अखियां कमजोर नहीं कहलाओगे, दो बूंद बरस जाए अखियां कमजोर नहीं कहलाओगे, जिस ठौर पर आते हो उसी ठौर पर आओगे। तो यूं चुपचाप नहीं बैठो कुछ तो बोलो ना, कब तक बंद रखोगे हृदय के द्वार खोलो ना। यूं चुपचाप नहीं बैठो कुछ तो बोलो ना, कब तक बंद रखोगे हृदय के द्वार खोलो ना। बड़ी वेदना दिखे नयन में पीड़ित लगते हो, बड़ी वेदना दिखे नयन में पीड़ित लगते हो, सुकून चाहिए तो एक बार खुलकर रो लो ना, खुलकर रो लो ना। थैंक यू सो मच।